आज हम जानेंगे यूपीएससी कोचिंग ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। हेलो एवरीवन, आई एम अंजू कुमारी, अ करियर साइकोलॉजिस्ट ऑफ योजना आईएएस। आज हम जानेंगे यूपीएससी कोचिंग ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, मतलब यूपीएससी के लिए ऑनलाइन कोचिंग बेस्ड है या ऑफलाइन। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जो ग्रेजुएशन या कॉलेज कर रहे होते हैं, उसके साथ में वो तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी के लिए, या बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स आते हैं जो कि जॉब के साथ वो यूपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है कॉलेज, रेगुलर कॉलेज करना और साथ में रेगुलर ऑफलाइन क्लास करना, या रेगुलर आप जॉब कर रहे हो साथ में यूपीएससी के लिए ऑफलाइन क्लास कर रहे हो। तो आज हम बताएंगे क्या क्या पॉजिटिव आस्पेक्ट है ऑनलाइन के लिए और क्या निगेटिव आस्पेक्ट है ऑफलाइन के लिए। ठीक उसी तरीके से ऑफलाइन के लिए क्या पॉजिटिव आस्पेक्ट है और क्या निगेटिव आस्पेक्ट है ऑफलाइन के लिए। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं पहले ऑनलाइन के लिए। अगर आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपका टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट आपका सही होगा, मतलब जो आने जाने का तो जो टाइम आपका लगता है, क्लास आना है फिर जाना है, तो वहाँ आपका टाइम सेविंग होगा, आप अपने घर बैठे क्लास अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है रिवीजन के लिए, अगर आप ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं तो आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो भी रहता है, तो कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है समझने में, या फिर आप रिवीजन के दौरान आप रिवीजन कर रहे हैं और कोई टॉपिक आपको फिर से क्लास करने की ज़रूरत है, तो वहाँ आप वीडियो को देखकर आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन यहाँ निगेटिव आस्पेक्ट ये है कि अगर आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं तो वहाँ लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की ज़्यादा संभावना होती है, क्योंकि यूपीएससी की क्लासेस ऐसा नहीं है कि वो आपका 30 मिनट्स या 15 मिनट्स की क्लास हो जो कि आप लगातार ऑनलाइन देख सकें। यूपीएससी का क्लास आपका मिनिमम 2 आवर्स की होती है, और 2 आवर्स लगातार कॉन्सेंट्रेशन के साथ ऑनलाइन क्लास अटेंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वहीं अगर आप ऑफलाइन क्लास अटेंड करते हैं तो टीचर बीच बीच में आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे, उसको आपका आंसर भी देना होता है, उसके लिए आपको अटेंटिव होकर क्लास अटेंड करना होता है। ठीक है, वहाँ पे आपका ज़्यादा कॉम्पिटिशन ज़्यादा होगा ऑफलाइन क्लास में, क्योंकि अगर आप देखते हैं कि आपके साथ में बैठे हुए स्टूडेंट वो आंसर बता रहे हैं और अगर आप आंसर नहीं बता रहे हैं तो आपको बुरा लग सकता है, तो वहाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में आंसर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है लैक ऑफ कॉम्पिटिशन। अगर आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, एक कमरे में बंद होकर आप क्लास कर रहे हैं, तो वहाँ आपको आइडिया नहीं होता है कि हम कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम जितना पढ़ाई कर रहे हैं हमारे साथ में जो एग्जाम में बैठने वाले स्टूडेंट हैं उनका वो कहाँ एग्जिस्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप ऑफलाइन में एडमिशन ले रहे हैं, ऑफलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो वहाँ लगातार कुछ ना कुछ एग्जाम होते रहता है, या क्लास टेस्ट हो रहा है, मिनी टेस्ट हो रहा है, या फिर आपका सेक्शनल वाइज टेस्ट हो रहा है, तो वहाँ आपका आपस का कंपटीशन बना रहता है। वही बात अगर ऑनलाइन की आती है तो ऑनलाइन आप अकेले पढ़ते हो, तो किसी के बारे में आपको आइडिया नहीं रहता है कि हमारे साथ वाले बच्चे कितना पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और एक बात ये भी आती है कि यूपीएससी का एग्ज़ाम ऐसा है जो अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको समाज के बीच में, सोसाइटी के बीच में रहकर आपको काम करने की वहाँ आपको ज़रूरत होती है। अगर आप क्लास में लोगों के बीच में बैठकर क्लास अटेंड करते हो तो यहाँ आपको लोगों के बीच में बोलने की हेजिटेशन जो होती है वो आपका दूर होगा और लोगों के बीच में बोलने की कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है लैक ऑफ मोटिवेशन एंड चैलेंज। ठीक उसी प्रकार अगर आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो आपके अंदर मोटिवेशन की कमी होगी
और चैलेंज भी उतना चैलेंजिंग भी नहीं होगा। वहां पे आप अपनी मर्जी से, आपको लगा कि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ वही मेरे लिए ज्यादा बेस्ट है, आप अदर स्टूडेंट के बारे में कुछ भी नहीं जान पा रहे हो या ये नहीं समझ पा रहे हो कि हमारे एग्जाम कितना चैलेंजिंग है। ठीक है, नेक्स्ट आता है 1-to-1 क्वेश्चन। अगर आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, कहीं भी कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां आप टीचर से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो, पूछ सकते हो लेकिन आप मैसेज के थ्रू ही पूछ सकते हो। लेकिन वहीं अगर आप ऑफलाइन क्लास अटेंड कर रहे हो, वहां आपको थोड़ा सा भी कुछ भी दिक्कत हो रही है तो आप तुरंत सर से पूछेंगे, सर मुझे यह प्रॉब्लम हो रही है, आप मुझे आंसर बता दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है लैक ऑफ डिसिप्लिन। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं क्लास, तो वो आपके मर्जी के ऊपर डिपेंड रहता है कि हम ऑनलाइन क्लास हमारे पास है, कोई बात नहीं, कभी भी हम अटेंड कर लेंगे। मान लीजिए अगर आपका क्लास के टाइमिंग 10 AM to 12 PM तक है, लेकिन ये आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि ये ऑनलाइन क्लास है, हम कभी भी देख सकते हैं, रहने दो इसको, कोई जरूरी नहीं है अभी अटेंड करना, तो हो सकता है ये आप इवनिंग में देख पाए 5 to 6 PM, 5 to 7 PM, या हो सकता है आप 2 दिन के बाद भी देखें। ऐसा होता है ना कि लोग फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं कि वो रिकॉर्डेड तो है ही, हम जब मन करे हम देख सकते हैं। वहीं अगर आप ऑफलाइन क्लास अटेंड करते हैं, तो एक दिन अगर आप क्लास नहीं अटेंड करते हो तो दोबारा वो क्लास रिवाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये सबसे बचने के लिए योजना IAS में हाइब्रिड मोड पे क्लासेस होती है। हाइब्रिड मोड मतलब कि अगर आप ऑफलाइन में एडमिशन ले रहे हैं, हो सकता है कभी क्लास आप अटेंड नहीं कर पाए, कोई भी कारण हो सकता है, ठीक है, तो आप सेम क्लास को ऑनलाइन लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लाइव क्लास भी अटेंड नहीं कर पाए किसी इमरजेंसी की वजह से, तो आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो भी रहता है। इस रिकॉर्डेड वीडियो के थ्रू भी आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। यहाँ यह भी बेनिफिट है कि जैसे मान लीजिए कि आपका GS फाउंडेशन 1 ईयर GS फाउंडेशन में आप एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास टोटल 3 इयर्स तक रहेगी। मतलब 3 इयर्स में आप अनलिमिटेड टाइम आप वीडियो देख सकते हैं। मतलब कि अगर आपका सिलेबस 1 साल में कवर हो जाता है, लेकिन फिर भी जब हम रिवीजन कर रहे होते हैं, तो वहां हमें हो सकता है किसी भी कॉन्सेप्ट में हमें प्रॉब्लम हो, हालांकि आपने क्लास नोट्स अच्छे से लिखा है, फिर भी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा होता है जो कि थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप रिकॉर्डेड वीडियो के थ्रू आप वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, या कभी भी आपको रिवीजन की जरूरत हो तो आप रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं। तो हर तरीके की सुविधा यहाँ अवेलेबल है योजना IAS में। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।